हाय गाइस। तो यार आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 1323, इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम 69 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन ओरेकल में फ़ोन इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज, फ़ोन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा, इंटीजर दिया रहेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ 9 होंगे या तो 6 होंगे, यही दोनों डिजिट्स होंगे सिर्फ। ठीक है, देख लो, 9669, सिर्फ 9 और 6 होंगे। आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम सिर्फ एक किसी डिजिट को, किसी एक डिजिट को, मैक्सिमम सिर्फ एक डिजिट को रिप्लेस करना है, या तो 9 को 6 में या तो 6 को 9 में कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एक, या तो आप नहीं भी कर सकते हो रिप्लेस। ठीक है, और आपको सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करना है, जो सबसे बड़ा नंबर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, कैसे निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसने क्या किया, इसने इस वाले 6 को रिप्लेस करके 9 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 9 9 हो गया, 69, यही आपका आउटपुट है। यही सबसे बड़ा नंबर भी है जो आपको मिल सकता है मैक्सिमम एक डिजिट को रिप्लेस करके। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका आउट इनपुट ये रहता, अगर आपका इनपुट ये रहता 9 9 9 9 9, तो इसमें देख रहे हो ये आपको मैक्स ही है ना। आप किसी भी 9 को चुनकर 6 करोगे तो वो छोटा नंबर हो जाएगा, आपको तो मैक्स रिटर्न करना है, तो आप सेम नंबर रिटर्न कर दोगे, 9 9 9 9 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन तो सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आप क्या करोगे। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले आपके मन में दिमाग यही आएगा कि ग्रीडीली यहाँ से इस डायरेक्शन में, जो सबसे पहला 6 मिलेगा उसको 9 में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, वही तो सबसे बड़ा नंबर देगा। जैसे मान लो 9 9 6 9 6 ये है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते वक्त सबसे पहला जो आपको 6 मिलेगा उसको 9 में कन्वर्ट कर दो, 9 9 9 9 6, यही सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। तो भाई ये ग्रेडली हम चूज़ कर ले रहे हैं सबसे बड़ा 6 जिसको 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी 9 6 नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कन्वर्ट करेंगे, वही नंबर मेरा मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, तो यार ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जैसे 9 6 9 है, जो सबसे अप्रोच वन जो मैं आपको बता रहा हूँ, 9 6 9 है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक कैरेक्टर एरे में, 9 6 6 9। ठीक है, आप इसमें वही करना जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे पहला 6 होगा, 0 1 2 3, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे 9 पे, तो ये हो जाएगा 9 9 6 9। फिर वापस से आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, क्योंकि आपको रिस्पांस में इंटीजर ही भेजना है ना, 9 9 6 9 में कन्वर्ट कर दो, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी लग रहा है काफ़ी। तो अभी आपको जो इतना करना पड़ा ना, पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, सॉरी कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर से आपने इसको ट्रैवर्स किया एक बार, फिर पहला 6 ढूंढा, उसको कन्वर्ट किया 9 में, फिर से ट्रैवर्स करोगे और उसको कन्वर्ट करोगे इंटीजर में। तो इतनी बार जो ट्रैवर्स कर रहे हो ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, भले ये भी सोल्यूशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन 3 बार ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, और फ़ोन इंटरव्यू में ऑब्वियसली इतनी बार बताओगे तो इंटरव्यू में तो वो खुद बोलेंगे, कोई और अप्रोच अगर आप बता सकते हो तो बताओ, है ना, इसका इम्प्रूवड अप्रोच और क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक बेटर अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, हाँ, बट अप्रोच वन जो है वो भी आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, अप्रोच वन भी सिंपल ही है भाई, ये कन्वर्ट करो अरे में, है ना, फिर इसमें सबसे पहला 6 को कन्वर्ट कर दो, उसके बाद नंबर में कन्वर्ट कर दो, सिंपल ही है ये सब, तो खुद से करके प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको, और आपको प्रैक्टिस करना भी चाहिए। ठीक है, अब अप्रोच टू में आते हैं, जिसमें ये कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बेटर अप्रोच की तरफ आते हैं। तो देखो, अप्रोच टू में देखते हैं, एक चीज़ याद रखना कि आपको इंटरव्यू के लिए ये चीज़ ये भी आना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के लायक है ये अप्रोच। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है। देखो सिंपल सा, इसमें भी ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। आपको याद है, ये आप जब आपका इनपुट था तो आपका आउटपुट क्या था,
आपका आउटपुट था जो सबसे पहला सिक्स है उसको आपने नाइन में कन्वर्ट कर दिया था, तो नाइन ये अपन ने नाइन कर दिया था ना ये वाले सिक्स को, ठीक है, और बाकी तो सिक्स नाइन है, ठीक है। यानी कि आपको आपने इसको कन्वर्ट किया था नाइन पे, ये जो छः है ना इसको आपने आपको नाइन इसको आपने नाइन में कन्वर्ट कर दिया था, तो इस छः में आपने कितना जोड़ा होगा, थ्री जोड़ा होगा तभी तो ये नाइन बना, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस ओवरऑल नंबर पे आपने 300 जोड़ा होगा, दैट इज 300, 300। इसको जोड़ के देखो तो क्या आता है, नाइन में से नाइन और ज़ीरो को जोड़ेंगे तो नाइन आएगा, सिक्स और ज़ीरो को जोड़ेंगे सिक्स आएगा, सिक्स और थ्री को जोड़ेंगे तो नाइन आएगा, है ना, नाइन का नाइन उतर गया। तो देख रहे हो इफेक्टिवली आपने 300 जोड़ा इस नंबर पे, अपने इनपुट में आपने 300 जोड़ा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं फिर से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बस पता है क्या निकालना है कि किस पोजीशन पर है आपका सबसे पहला वाला सिक्स, ठीक है। ऐसे ये कौन सा पोजीशन है, ये वंस होता था ना, या तो बचपन में पढ़ते थे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये बचपन में पढ़ते थे ना। तो देखो किस पोजीशन वाले सिक्स को हमने चेंज किया है, हंड्रेड वाले पोजीशन को, ये हंड्रेड वाला पोजीशन है ना, तो 300 से इसको 300 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो 300 ऐड करेंगे तो 300 ऐड कर दिया और हमको ये वाला आउटपुट मिल गया, ठीक है। एक और आउटपुट देख लेते हैं अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो, ठीक है। ये है आपका नाइन, ये है आपका नाइन, ये है सिक्स, ये है नाइन, ठीक है। तो ऑब्वियस है आप किसको कन्वर्ट करेंगे, इस सिक्स को नाइन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आउटपुट आना चाहिए नाइन 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 नाइन, ठीक है। तो किस सिक्स को आपने कन्वर्ट किया, इस वाले सिक्स को, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है ना, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेंथ है ना, तो थ्री टेन ज़ा 30, यानी कि 30 ऐड करोगे तो क्या आएगा, नाइन 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 नाइन, यही तो आपका आउटपुट है ना। यानी कि आपको बस क्या निकालना है कि आपका जो पहला सिक्स है, सबसे पहला सिक्स राइट साइड से, जो सबसे पहला सिक्स है लेफ्ट साइड से, जो राइट साइड जाता है सबसे पहला सिक्स है उसका प्लेस वैल्यू ढूंढना है, कौन सा प्लेस वैल्यू है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये जो आपको नंबर इनपुट में मिला है आप उसको क्या करोगे, उसमें क्या ऐड कर रहे हो, उसमें आप किसको ऐड कर रहे हो, 30 को, यानी कि 3 × 10 का पावर कितना है, ये होता है 10 का पावर 0, ये होता है 10 का पावर 1, ये होता है 10 का पावर 2, ये होता है 10 का पावर 3, 10 का पावर 1 किया ना आपने, ठीक है। तो इसको जनरलाइज अगर करेंगे, नम प्लस 3 × 10 का पावर 1, यहाँ क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, ये प्लेस वैल्यू 1 है उसकी, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान में रखते हुए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसा था 9696, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट साइड से सबसे पहला सिक्स कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला है। तो पहले तो आउटपुट देख लो क्या होगा इसका, 9996 होगा आउटपुट, सबसे बड़ा नंबर यही मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 10 का पावर 0 है ये, 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, ये 10 का पावर 3 है। तो आपने किस सिक्स को कन्वर्ट करोगे, इस वाले सिक्स को, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 का पावर 2 है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, नम प्लस 3 × 10, 10 का पावर 2 है ना, समझे। अब इसको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 9696 है प्लस 3 × 10 का पावर 2 100 हो जाएगा, 300 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 9696 में 300 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 9996 9996, यही तो आपका आउटपुट है, ठीक है। कितना सिंपल हो गया ना कोड, तो काफ़ी अच्छा तरीका भी है, ट्रिकी भी है, ठीक है। तो बस वही है, आपको एक सिंपल सा कोड लिखना है जिसमें आपको बस प्लेस वैल्यू निकालना है सबसे ये पहले वाले सिक्स का, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे कि जैसे मान लो 9696 है ना, तो आपको याद है आप एक तरीका लिखते थे कि जब तक ये नंबर है ना, जब तक ये नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले तो रिमाइंडर निकालते थे,
रिमाइंडर वो क्या होता था, नंबर परसेंटाइल 10, नंबर परसेंटाइल 10, तो रिमाइंडर से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मुझे 6 निकलेगा ना, मैं प्लेस वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहूँगा और एक प्लेस वैल्यू इस डाल दूंगा कि अभी 6 की कौन सी प्लेस वैल्यू मुझे मिली है। तो अभी तो 0 मिली है, यानी कि इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 6 मिला मुझे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे, प्लेस वैल्यू अभी है ना अपडेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी मुझे प्लेस वैल्यू आएगा, एक काउंटर रख लेते हैं जो प्लेस वैल्यू बढ़ाते रहेगा मेरा। प्लेस वैल्यू में काउंटर रख लिया। ठीक है, अब बाद में फिर 969 मिलेगा हमें, ये तो हमने निकाल लिया। फिर इस वक्त क्या रिमाइंडर मिलेगा, 9 मिलेगा, तो 9 तो 6 के बराबर है नहीं, तो यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, फिर आएंगे 96 में, तो अब 6 मिलेगा। ये इसका रिमाइंडर 96 रिमाइंडर क्या है, 6 है, ये रहा रिमाइंडर 6 के बराबर है। तो इसका प्लेस वैल्यू फिर काउंटर से अपडेट कर देंगे, मतलब अपडेट करते रहेंगे है ना, अपडेट करते रहेंगे काउंट प्लेस वैल्यू को, तो हमें सबसे लास्ट वाला 6 मिल जाएगा है ना, क्योंकि हम ऐसे ट्रैवर्स करते हैं ना जब हम ये वाला फॉर लूप चलाते हैं तो। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला 6 का हमें प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम काउंट कर लेंगे अपने इसी फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था है ना। और हाँ, एक चीज़ और कि मान लेते हैं 9999 है, इसमें तो 6 है ही नहीं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमारा शुरू में -1 मान के रख लेंगे, तो प्लेस वैल्यू -1 का -1 ही रह जाएगा, अपडेट ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करेंगे, चुपचाप जो इनपुट हुआ है उसी को रिटर्न कर देंगे है ना, यही मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ है नहीं है, इसको कोड करते हैं और कोड करते वक्त बिल्कुल ऐसे ही समझाएंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे बताया था, कि आपको एक इंटीजर नम दिया रहेगा जिसमें सिर्फ 6 और 9 डिजिट्स होंगे। ठीक है, आप मैक्सिमम सिर्फ एक डिजिट को ही रिप्लेस कर सकते हो, या तो 6 को 9 कर दो या तो 9 को 6 कर दो। ठीक है, और आपको मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। तो ये आपका इनपुट है कुछ कुछ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डायरेक्ट चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक वेरिएबल रखेंगे जो कि प्लेस वैल्यू मेरा देखता रहेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, शुरू में प्लेस वैल्यू 0 होती है राइट मोस्ट डिजिट की, फिर प्लेस वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी है ना, 1, 10, 100, 1000 जो बचपन में पढ़ा था ये वही है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी, अभी तो हमें पता नहीं है तो -1 रख लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लूप, एक टेम्प नाम का नंबर रख लेते हैं जिसमें नम सेव कर लेते हैं, और वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा, टेम्प मॉड्यूलो 10 है ना, रिमाइंडर हो गया। इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 6, अगर मुझे 6 मिल गया तो मैंने क्या बोला था, मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6 को अपडेट करता चलूँगा है ना, प्लेस वैल्यू 6 क्या हो जाएगा, जो अभी करंट प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, फिर टेम्प को भी अपडेट करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 10, लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा, और प्लेस वैल्यू को भी अपडेट करते रहेंगे है ना। अब हम 100 वंस वाला पोजीशन चला गया था, अब टेंस पे आए हैं ना, 1, 10, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू भी अपडेट हो रही है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि क्या प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो है वो इज इक्वल टू -1 है, मतलब वी नेवर गॉट 6 है ना इन द नम। ठीक है, तो वैसे कैसे मैंने क्या बोला था कि जो नंबर है वही मैक्सिमम नंबर होगा मेरा, सारे 999 होंगे है ना, तो वही मेरा मैक्सिमम नंबर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या बोला था कि नम प्लस 3 × 10 कॉमा प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, ये सिंपल सा, तो चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सबमिट करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।